गाइस, लिंक एक्टिव हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। यहाँ पर आप क्रिएट प्रोफाइल पर जैसे जाओगे तो यहाँ पर आपको नीट का रोल नंबर और सीक्रेट की का ऑप्शन आ रहा है, मतलब जो लिंक है रजिस्ट्रेशन की वो एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस जो है आप अपने फ़ोन की हेल्प से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको जो है स्कैन होकर अपलोड करना नहीं है, ओनली सिर्फ जो नंबर्स है वो फिल करना है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस आप आपके फ़ोन से भी कर सकते हो, और चाहो तो आप जो सारी प्रोसेस जो है आप एक किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप की हेल्प से या फिर MP ऑनलाइन साइबर कैफे पर जाकर खुद करवा सकते हो। ठीक है, इसमें जो है नीट का रोल नंबर डालना अगर खुद से करोगे आप, सीक्रेट की में जो है आप देख सकते हो आपका जो भी नीट का एप्लीकेशन नंबर था वो फिल करना है, उसके बाद में 0 टाइप करना है, उसके बाद में आपका नीट का स्कोर, इसके बाद में आपको सबमिट कर देना है, क्रिएट प्रोफाइल पर जाना है। क्रिएट प्रोफाइल पर जाने के बाद में आपको वहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह फिल करने का ऑप्शन आएगा, Gmail ID डालने का ऑप्शन आएगा, उसके बाद में आपको OTP आएगा उन नंबर पर, उसके बाद में आप पासवर्ड क्रिएट पासवर्ड मतलब आपको आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस जो आपको करनी है इसका मैं कम्प्लीटली पूरा एक वीडियो, ठीक है, अब मैं तैयार कर दूँगी उसको पूरा, स्टेप बाय स्टेप बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आधे से 1 घंटे के बाद मैं कोशिश करूँगा वीडियो अपलोड करने की, जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस आपको मैं समझा सकूँ। ठीक है, तो जाइए बढ़िया फटाफट रजिस्ट्रेशन करिए और स्लॉट बुक करिए जितना फास्टली कर सकते हो स्लॉट बुक। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्लॉट बुक लेट करोगे या किसी और दिन जैसे कि आप 20 के बाद में 21-22 का स्लॉट बुक करोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उतना ज़्यादा आपको डिले होगा, मतलब वेरिफिकेशन में, स्पेशली जिन बच्चों को इंदौर आना है उनके लिए, क्योंकि इंदौर में बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं और इनके पास इतने ज़्यादा सिस्टम रहते नहीं वेरिफिकेशन करने के लिए, सिर्फ एक या दो मतलब जो टीचर है या फिर जो भी स्टाफ है वो सिर्फ वेरिफिकेशन करते हैं, लेकिन शुरू शुरू में एक दो सिस्टम ही रहते हैं सिर्फ, है ना, लेकिन लास्ट लास्ट के जो एक दो दिन बचे तब बच्चे बहुत ज़्यादा बच जाते हैं, तब इन ये जाकर काफ़ी सारे सिस्टम तैयार कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो चलेगा, इसलिए अगर आप जल्दी चाहते हो कि आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ में का हिस्सा ना बनना पड़े तो आप थोड़ा सा फास्टली कल का स्लॉट बुक कर आ सकते हो, या फिर अगर आप किसी और सेंटर पर हो, ठीक है, जैसे उज्जैन में भी थोड़ी बहुत भीड़ हो ही जाती है, रीवा में थोड़ी कम भीड़ होती है, बुरहानपुर में कम भीड़ होती है ना, और ग्वालियर जबलपुर में थोड़ी बहुत हो ही जाती है, और भोपाल का जो यूनानी का कॉलेज और होम्योपैथी का कॉलेज है ना वहाँ पर कम भीड़ होती है। मैं यही कहूँगा कि जो भोपाल के आसपास के लोग हैं जो भोपाल जाना चाहते हैं तो वो कोशिश करिएगा कि होम्योपैथी या फिर यूनानी का जो हकीम सैयद करके जो कॉलेज है वो चॉइस करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको BAMS करना है या फिर BHMS करना, तो यूनानी के कॉलेज में क्यों वेरिफिकेशन करवाने जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको वेरिफिकेशन करवाने किसी भी सेंटर पर जाना है, वो चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या है बहुत सारे लोग वहाँ पर नहीं जाते क्योंकि ये कन्फ्यूजन उनको रहता है कि पता नहीं हम आयुर्वेद करना है हमें होम्योपैथी करना है और हम यूनानी में करवाने जाएंगे तो ऐसा तो नहीं हो हमें एडमिशन ना मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको इसका बेनिफिट लेना है, आप अगर भोपाल के आसपास हो और होम्योपैथी या फिर यूनानी का कॉलेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपका इजीली मतलब जाओगे करा के आ जाओगे, मतलब आराम से 1-2 घंटे में इजीली आपका काम हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। ठीक है, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि लिंक एक्टिवेट हो चुकी है और आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। थैंक यू।